स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन. सारे बच्चों के मिड टर्म एग्जाम हो गए, दैट डिड नॉट डू सो वेल. अब बच्चों के प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं. प्री बोर्ड देखो ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री बोर्ड में जो नंबर आए वही नंबर आपके बोर्ड में आते हैं, ऐसा नहीं होता. बट प्री बोर्ड की प्रिपरेशन अगर आप ढंग से कर लोगे तो बोर्ड में ईज पड़ जाएगा, इजंट इट. बोर्ड में आसानी हो जाती है. प्री बोर्ड में अब आपके कितने दिन बचे हैं, मुश्किल से 40 दिन बचे हैं, इजंट इट. तो अब हम जरा देखते हैं कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है. करना अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं तो आपको देखो एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अब डिफिकल्ट होने वाला है. कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए. सो अब आपके पास अगर बहुत समय नहीं है तो वन रिविजन शॉर्ट सारे चैप्टर्स के आप देखोगे, उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन आप रीड करो. एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी के एग्जामिनेशन जो होते हैं बोर्ड में, उसमें एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है. इतने अगर आप याद कर लोगे तो क्वेश्चंस आपके मिस नहीं होंगे. इतना करने के बाद जो है देखो पीवाईक्यूज करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, एग्जाम्पलर्स जो होते हैं उससे आपका एमसीक्यू निकल जाता है, ठीक है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को खास तौर पर प्रैक्टिस करोगे ताकि एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो. अब करोगे क्या, हमारे पास 40 दिन है, यानी कि लगभग 6 हफ्ते हैं हमारे पास, 6 वीक्स, राइट. 5 सब्जेक्ट मान के लेते हैं, चलो 5 सब्जेक्ट ही मेन होते हैं ना. एवरेज चैप्टर्स पर सब्जेक्ट अगर मैं 12 चूज करूँ तो लगभग 60 चैप्टर्स आपके ओवरऑल है जो आपको करने हैं इन 40 डेज. सो देखो आपके 60 चैप्टर्स हैं 6 वीक में करने को, तो 60 चैप्टर्स 6 वीक में, इसका मतलब क्या है, 10 चैप्टर्स जो है वो आपको हर वीक में करना है. पर वीक यानी कि 10 चैप्टर्स आपको 7 डेज में करना है. तो लगभग अगर 1.5 चैप्टर 1.5 चैप्टर आपने अपने सिलेबस का कंप्लीट कर लिया तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. अगर कंटिन्यूसली करते रहे तो 1.5 चैप्टर पर डे करोगे, जैसे आज एक चैप्टर निपटाया कल दूसरा निपटाया, मतलब 1.5 चैप्टर आज किया दूसरे दिन 1.5 चैप्टर किया. लेकिन फिर से जब तीसरे दिन पढ़ाई करोगे ना तो पहले और दूसरे दिन का रिवीजन भी कर डालो, ठीक है. एटलीस्ट एक दिन वीक के एंड में एक रिवीजन आपका बनता है पूरे चैप्टर्स का, ताकि आप भूल ना जाओ. हम भूलते भी हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी जरूरी है. नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है. आपके पास वक्त है अभी भी, डू नॉट वेस्ट इट. अगर वेस्ट करोगे तो बाद में जब रिजल्ट आएगा तब आप सीबीएसई को कितना भी कोस लो कि भाई हमें मार्क्स नहीं मिले, हमने लिखा था, कोई नहीं सुनेगा. CBSE is not going to listen. इस बार भी 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए, कंपार्टमेंट की कैटेगरी में चले गए. तो अगर देखो क्वेश्चन का लेवल इस बार और डिफिकल्ट होने वाला है, विच इज ओपन टू यू, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का लेवल अप होता है और उसका परसेंटेज 10% बढ़ा दिया गया है. तो ये तो डेफिनेटली बात है कि क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट ही आएगा. तो अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को किसी तुक्के से तो सॉल्व नहीं कर सकते. कोई भी टीचर आपको क्वेश्चन दे देगा 30 क्वेश्चन, तो उसमें से नहीं आएगा, है ना, isn't it? मैंने भी जो सीरीज डाली है उसमें हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है. उसमें से एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आएंगे, लेकिन देर इज नो श्योरिटी. आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो उन क्वेश्चन में से आप बना पाओगे. कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो वो 30 याद करके कोई फायदा नहीं है. तो मेहनत करिए, समय है अभी भी. 40 दिन में प्री बोर्ड अच्छे से प्रिपेयर करोगे, प्री बोर्ड अच्छे से प्रिपेयर रहेगा तो उससे लगभग 10% ज्यादा आपके बोर्ड में आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड में थोड़ा स्ट्रिक्टर चेकिंग किया जाता है ताकि बच्चे जो है ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, क्योंकि उसमें आपके देखो कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं. जैसे आपने अगर कीवर्ड्स लिखे हैं तो आपको नंबर मिलते हैं, पॉइंट वाइज लिखने के मार्क्स मिलते हैं. तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. कीवर्ड्स लिखोगे, पॉइंटर्स में आंसर लिखोगे, ठीक है. स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, तो राइट स्टेप्स. अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं जानते हो तो भी अटेम्प्ट लेना मैंडेट है, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो अटेम्प्ट लोगे, स्टेप मार्किंग करोगे तो आप प्री बोर्ड में खुद ही ट्राई करके देखना, यू विल बी गेटिंग बेटर मार्क्स. और वर्ड लिमिट का ध्यान रखोगे, वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पिछली बार बोर्ड एग्जाम में बहुत से बच्चों ने वर्ड लिमिट को बिल्कुल ही छोड़ दिया था. अगर मान लो 150 वर्ड्स में लिखना है तो आप एटलीस्ट 120 से 160 के बीच तो रेंज रखोगे. अगर आप 40 वर्ड लिखोगे, हाउ कैन अ टीचर गिव यू, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे 4 मार्क्स देगा कोई टीचर. कोई न्यूमेरिकल है, वहां पर आपको फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं, इजंट इट. तो सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है वो देखिए, हर सब्जेक्ट की कैसे फॉर्मूला पे नंबर होता है, कैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखने पे मार्क्स मिलते हैं. मान लो कोई क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा, कोई न्यूमेरिकल है नहीं आ रहा, ठीक है. सपोज मैं बता रही हूँ v = u + at, सपोज ये फॉर्मूला है, ये मुझे आता है. वेलोसिटी वी मान लो दिया हुआ है, समथिंग है, मान लो 20 है, यू नहीं दिया हुआ है, at की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी. तो ये भी एक स्टेप है, ये भी एक स्टेप है, यू विल बी गेटिंग सम मार्क्स. मान लो फाइनल रिजल्ट आपसे नहीं निकला,
तो यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा, बट इन स्टेप्स के तो मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए मार्किंग स्कीम देखनी जरूरी है, ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्ड करके प्री बोर्ड की तैयारी करो कि बहुत अच्छा स्कोर करो। और डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, डिमोटिवेशन नहीं रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग, जो टाइम बचा है उसमें अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्लास ट्वेल्थ। क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए ऑलरेडी हर चैप्टर जो केमिस्ट्री की है उसके इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है बोर्ड के, उसकी ऑलरेडी वीडियोज बनी हुई है एंड प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप देख लीजिए जैसे जैसे आपके चैप्टर्स प्रिपेयर होते हैं कि आप रेडी हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपसे ये क्वेश्चंस बन जाते हैं तो ये समझ लो कि हर जो जो चैप्टर में आप बना पा रहे हो ये क्वेश्चंस, मतलब समझ लो कि वो चैप्टर्स आपके डन हो रहे हैं। एंड स्पेशली नाउ कंपार्टमेंट कैटेगरी के बच्चे, ये रेगुलर बैच के जो बच्चे हैं क्लास टेंथ साइंस एंड क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री, इनके लिए स्पेशल बैचेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच। एनसीईआरटी से हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी शेयर की जाती है, नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, एवरीथिंग इज गिवन। जूम पे क्लासेस होंगी एंड यू कैन राइट मी अ मेल और इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक स्पेशल बैच लॉन्च होने वाला है प्री बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है, जिसमें 1 मंथ के का कोर्स होगा जिसमें सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये बैच भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्री बोर्ड का बैच, जिसमें 1 मंथ में इंटायर सिलेबस का कंप्लीट रिविजन हो जाएगा, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स।